मनीष जी, आप फिर एक अवार्ड जिस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या है उस अवार्ड का नाम और किस मोटिव को लेकर आप इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? बेसिकली जो हम लोगों ने ये जो अवार्ड हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया है, इसमें मेन हमारा विजन ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, चाहे वो सोशल एनजीओज हो, इन सबको हम लोग एक अवार्ड दें, उनको फेलिसिटेट करें, जिससे उनके नोबल कॉज जो लोग सोसाइटी में कर रहे हैं, इधर वो आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इधर वो सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं, इधर वो नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, इधर वो वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल कॉज, जो भी मतलब जितने भी कॉजेस होते हैं जो सोसाइटी के लिए बेटर है, हम उसको अवार्ड देना चाहते हैं और वो मोटिवेट हो हमारे साथ जुड़े और हम जुड़ के क्या कर सकते हैं समाज के लिए, ये जो हमारा मेन होल विज़न इस चीज़ का। तो आपका जो विज़न है वो बहुत ही डिफरेंट है, जिस तरह से सोशल कॉज से जो जुड़े हैं उन लोगों को भी आप ये अवार्ड दे रहे हैं, तो इसकी शॉर्ट लिस्ट आपने किस तरह से की है कि किस तरह से आपने लिस्ट बनाई है, किस तरह से आपने देखा है कि हाँ यही वो पर्सन है जिसे आपको अवार्ड देना है? जी बेसिकली मैं और फारूक खान जी जो है बेसिकली केयर फाउंडेशन की है और हम लोगों ने एक जॉइंट हैंड किया है WNCI वर्ल्ड नोबेल कॉज इनिशिएशन, एक प्रोग्राम है हम लोग का। बेसिकली हम लोग उसमें जितने भी सोशल एक्टिव जैसे मैंने बताया, तो उनके फिल्टर और उनको जोड़ने का एक तरीका है कि उनके हम प्रोफाइल चेक करते हैं कि आपने इसके पहले 5 ईयर्स क्या किया है या अभी फ्यूचर गोल्स क्या है आपके, क्या करना चाहते हो। हम लोग उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेते हैं, उसके हिसाब से उनको हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं और उनको प्रमोट करते हैं और उनको जो हमसे चाहिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं अपने NGO से, फाउंडेशन से, कंपनी से। तो ये लोग मुंबई से होंगे या फिर ऑल ओवर इंडिया? जी ये ऑल ओवर इंडिया से हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग हैं, क्योंकि हम लोग समाज कल्याण, तो आप संसार कल्याण कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक लिमिटेड कोई सिटी से करो, ये पूरा आप संसार में कर सकते हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुबई हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडोनेशिया, एनीवेयर इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन डू। और जिस तरह से आप इस अवार्ड को आयोजित कर रहे हैं, तो यह किस दिन यह आयोजन है आपका और क्या इसमें सेलिब्रिटी भी होंगे? जी इसमें हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे होंगे भी इस अवार्ड को, अवार्ड के सपोर्ट में कुछ लोग अवार्ड दे रहे हैं हम लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटी ने हमें बाइट्स भी दी है कि हम लोग इस इवेंट में आ रहे हैं, आई होप कि सब लोग आए और इस हम लोग इस अवार्ड सेरेमनी को हम लोग सेलिब्रेट करें मिलकर। और आई थिंक जो सेलिब्रिटीज़ होंगे जिनको अवार्ड मिल रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया हुआ है, तो मेरे दिल से ये है कि जो लोग ने इतनी मेहनत की है, जो लोग ने इतनी कामयाबी के वक्त में यू नो जो स्ट्रगल करके जो अवार्ड ले रहे हैं, मेरे दिल में वो है कि वो सेलिब्रिटीज़ होंगे उस तक। हाँ मनीष भाई, राइट, तो नाम तो सेलिब्रिटीज़ का होता है जो एक्टर्स हैं या जो परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने स्क्रीन पे अपना इतना यू नो नाम कमाया, लोगों के दिल जीती है, लेकिन आई थिंक हमको ग्राउंड जीरो पे देखना है कि किन लोगों ने जो इस वक्त में अपनी जर्नी के अंदर जो जिन लोगों ने किया, तो इसीलिए मकसद हमारा अवार्ड का वही है, तो मेरे हमारे अवार्ड के लिए वो ज़्यादा। मतलब आप ये मानते हैं जो स्टार है वो तो है, लेकिन जो फ्लोर पे, जो जमीन पे उतरकर लोगों के लिए काम करते हैं, वो आपकी नज़र में सबसे बड़ी स्टार है? यस यस, आई थिंक ये हमारा फाउंडेशन यही है और इंडिया सेगा अवार्ड, सेगा बहुत बड़ा अवार्ड है, सो एक्टर्स फील अलग होती है और जिन्होंने अचीवमेंट किया है वो अलग होता है, यू नो, सो आई थिंक ये पूरा हमारा डिज़ाइन प्रोजेक्ट का यही है कि जिन लोगों को हम अवार्ड देना चाह रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंस हो, बम्बई में बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शंस हो रहे हैं, सारे कुछ हो रहे हैं, हमको कुछ अलग रखना है और उनको हमारी कंपनी अमेरिका की है और हमारे जॉइनर्स बॉम्बे में इनके साथ हुआ है, सो ये अवार्ड का मकसद कुछ और है। तो फारूक जी आपने ये बात सही बोली कि कंटिन्यू अवार्ड्स हो रहे हैं, लेकिन अवार्ड जिन्हें मिलना चाहिए उन तक नहीं पहुंचता है, वो रिपीट होकर एक ही पे घूमता रहता है, इस बात पर आपका कितना ध्यान होगा आप और मनीष जी का? मनीष जी आप ही बताइए। मैं बताऊँ, मैं खैर मैं यहाँ पे इतना रहा नहीं हूँ, लेकिन जो जहाँ पे इतना मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अवार्ड्स का देखा है वो बहुत अलग है। सो हमको कुछ जो हम लोग ने WN वर्ल्ड नोबल कॉज इनिशिएशन का हम लोग ने प्रोग्राम सारा में रखा था, उसमें हम लोग जो कोविड के अंदर सारे प्रॉब्लम्स जो जिन लोगों ने सहे हैं और जो थे उनको जिनको निगलेक्ट किया गया उनको हमको महत्व देना था, सो ये अवार्ड भी हमारा वो है कि इसके अंदर भी कि हम देखना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को कभी ना जाना गया ना पहचाना गया, तो उनको वहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है, सो अगर उनको रिकग्निशन मिलेगा तो वो मोटिवेट बनेंगे दुनिया के अंदर, और ये जो अवार्ड्स मिलते हैं ये हमारे में ताकत नहीं है, ना इनमें ताकत है ना हमारे में ताकत है किसी के अवार्ड देने की, ये एक वे होता है थैंक बोलने का, जो भगवान और ईश्वर जो है ऊपर जो खुदा है वो एक थैंकिंग किसी की मेहनत के लिए हमको ज़रिया बनाकर उस प्लेटफॉर्म में ला के खड़ा करता है, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो जिसने कोविड में यू नो लाशों को लेकर गए या मरीज़ों को लेकर गए, जो जेनरस जो हैं जो
चिता जिन्होंने जलाई है, जो कॉफिन्स के अंदर लेकर गए, उन लोगों को कभी रेकग्निशन नहीं मिला। लेकिन वो रोज़ जाते हैं मंदिर में या मस्जिद में और पूछते हैं, यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को आज तक रेकग्निशन क्यों नहीं मिला। तो हम लोगों को एक जरिया बनाकर यू नो उनको दुनिया के अंदर दिखाना चाहते हैं कि शाहरुख खान जी हो, सलमान खान जी हो, जो भी बड़े बड़े एक्टर्स हो, इनको महत्व क्यों नहीं मिलता। मनीष जी के साथ आप जब से जुड़कर काम कर रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और अब इस अवार्ड के लिए किस तरह से आप दोनों लोगों की तैयारी है? एक्सपीरियंस मेरा भाई है, मेरे भाई मतलब मुझे इतना अच्छा दोस्त, और बॉम्बे में मैं काफ़ी साल से 2016 से आना जाना है मेरा, और मुझे इतने अच्छे और दिल के साफ, मैं इनके मुँह पे नहीं बोलता, लेकिन इनका भी आप काम देख लीजिए, इनका ये बहुत यंग है और इनकी जर्नी बहुत बड़ी है। और इनसे मिलने के बाद जब मेरी मीटिंग्स हुई है तो मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपके अमेरिकन की NGO है, आप हमसे जुड़िए, हमसे जुड़िए, हमसे जुड़िए, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही प्लान था। जब इनसे मिला तो इनका एक ही मकसद है कि दुनिया की हेल्प करना, दुनिया को एक्नॉलेज करना और रिलेशनशिप लोगों को बनाइए, और किस तरह यू नो ही इज़ नॉट अबाउट मनी और बिजनेस और एनीथिंग एल्स। सो देयर वाज समथिंग इज टच माय हार्ट अ लॉट। सो इसीलिए मैं अपनी कंपनी और केयर फाउंडेशन ग्रुप, आप मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर लें कि जुड़ना किसी के साथ में क्या होता है, ये ऑलरेडी ऊपर वाला लिखा होता है। सो इज़ अ वेरी यंगस्टर, वेरी मोटिवेटिव, और इनकी सोच मैं तो ये चाहूँगा कि ये प्रेसिडेंट बने सर साहब के बाद, बधाई करता हूँ, ये मैं मेरा ख्वाब होगा, और इसके लिए अगर मुझे पूरी दुनिया की ताकत लगानी पड़े तो मैं लगाऊंगा कि इनका दिल और इनकी सोच इतनी बड़ी है लोगों के लिए, जो भी एक आम इंसान के लिए जो भी काम करते हैं। सो इसीलिए मेरा दिल इनसे जुड़ा, और मेरी सोच जो है लोगों की मदद के लिए, हेल्प करने के लिए, वो सेम थी। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड एंड अ लॉन्ग जर्नी पार्टनर मनीष भाई। थैंक यू, थैंक यू। बेसिकली